आ चुके हैं उज्जैन में। यहाँ पे एक राम घाट करके एक प्रसिद्ध जगह है, यहाँ से शिप्रा नदी जाती है और यहाँ पे 12 साल में एक बार, मतलब जब उज्जैन में जब कुंभ मेला लगता है तो इसी जगह पे लगता है, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। और जब कुंभ मेला लगता है तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं स्नान करने के लिए शिप्रा नदी में। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ का नज़ारा कैसा है। आप देख सकते हो आ गए किनारे पे, तो यहाँ पे ये शिप्रा नदी जाती है यहाँ से, और यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी चलता रहता है, तो काफी अच्छी जगह है ये। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चलते हैं काल भैरव टेम्पल। अभी हम जा रहे हैं काल भैरव जी के टेम्पल। पहले हमने महाकाल जी के दर्शन किए, उसके बाद सिद्धि माता जी के दर्शन किए, और अब हम जा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए वहाँ जाके देखते हैं, काल भैरव जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। और हमने ई ऑटो रिक्शा हायर की है, तो उसमें हम 4 लोग बैठ के उससे जा रहे हैं, तो क्योंकि आज काफ़ी सारा ट्रैफिक था, तो हमने हमारी कार पार्किंग में खड़ी कर दी है और हम जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने। सब हम भी दर्शन करते हैं। अभी हम लोग आ गए काल भैरव टेम्पल में। यहाँ पे काल भैरव जी का बहुत फेमस मंदिर है, और यहाँ की खास बात यह है कि काल भैरव जी को प्रसाद में शराब चढ़ाई जाती है। ये जस्ट मंदिर के सामने ऐसे शराब की काफ़ी सारी यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है, तो आप यहाँ से शराब खरीद सकते हो प्रसाद के लिए। चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए लाइन में खड़े, काफ़ी लंबी लाइन है, तो चलिए हम भी लाइन में खड़े रहते और चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर ही एक दत्तात्रेय भगवान का भी मंदिर बनाया हुआ है, जो आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एक दीप माला है, यहाँ पे भी दिए जला के आरती की जाती है। और मेरे पीछे से आप देख सकते हो काफी सारे भक्त यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। अभी आगे मंदिर के बिल्कुल नजदीक कोरोना के बाद यहाँ पे भगवान को शराब चढ़ाई नहीं जाती है, तो आप शराब ना लो तो ही बेहतर है।